नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जोमैटो के शेयर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इसके प्रदर्शन को लेकर शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने एक साल पहले ही चेताया था और आज उनकी बात सही साबित हो रही है। दोस्तों, लगभग एक साल पहले जब कंपनी के शेयर नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, तब झुंझुनवाला ने कहा था कि अगर मैं कहूँगा कि अब जोमैटो के शेयर को मत खरीदो तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। और राकेश झुंझुनवाला का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सो डोंट बी सरप्राइज, इसका इतना वैल्यू हो गया, जोमैटो का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे 5 साल बाद, देखेंगे। अभी नहीं बेचने का, चड्डी निकल जाएगी, समय आएगा। सो द एक्सेस इन मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ एंड एक्सेस इज हैव नो, इट विल टेक प्लेस, इट विल करेक्ट, इट रिक्वायर्स टाइम। यूनिट टेक 1800 का भाव का क्या भाव है अभी? 6 रुपये। यूनिटेक टॉप में कितना हुआ था? आई डोंट मीन टू सिंगल आउट इन मैनेजमेंट। हिमाचल क्या हुआ था, ग्लोबल क्या हुआ था, एंड होल दिल्ली, होल इंडिया, कलकत्ता, बॉम्बे, हिमाचल बाय ग्लोबल बाय यूनिटेक, तो सब समय की बात है। पानी पानी दूध दूध। और अभी आप बोलोगे कि जोमैटो मत लो, गधा है, तेरे को अक्कल नहीं बोलेंगे। मैं 15 साल में बोलता था यूनिटेक मत लो तो गधा बोलते थे। बता दें कि जोमैटो के शेयर में गिरावट की बड़ी वजह लॉक इन पीरियड का समाप्त होने के बाद हुई बिकवाली है। हालांकि लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद हमें कंपनी के शेयर में सुधार देखने को मिला है। ब्रोकरेज फर्म जेफरिन के अनुसार जोमैटो के लिए सुबह से पहले एक काली अंधेरी रात है। फर्म का ये भी कहना है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक निवेशकों को मालामाल कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म जेफरिन के अनुसार पिछले साल जोमैटो जब लिस्ट हुई थी तब निवेशकों ने इसे बहुत पसंद किया था, लेकिन नवंबर 2021 के बाद इस स्टॉक का प्रदर्शन बहुत उत्साहित करने वाला नहीं है। हालांकि ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद मुनाफे की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन निवेशक इस संदेह का लाभ देने को तैयार नहीं है। आपको ये भी बता दें कि ब्रोकरेज फर्म ने लॉन्ग टर्म के लिए जोमैटो का शेयर प्राइस टारगेट 100 रुपये तय किया है। हालांकि आपका क्या कहना है राकेश झुंझुनवाला की इस भविष्यवाणी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।